दर्शकों पंजाब चैनल से स्वागत है। अज असं आए हैं विद्या दानी संस्थावां लोपो विखे। सिख्या इस पेंडू इलाके दे विच इस टाइम मुहैया की जा रही हैगी है। जरूर यह कॉलेज किसी दिन एक यूनिवर्सिटी दे विच तब्दील होएगा। मैं सोचनी है कि एक विमेन यूनिवर्सिटी दे विच तब्दील होएगा जे वाहेगुरु जी दे साडे नाल साथ रहा। साडे प्रेजिडेंट संजीत सिंह जी ते वाइस प्रेजिडेंट बीबी करमजीत कौर जी दे दिशा निर्देशों दे विच ही असीं अपनी कर्म भूमि दे विच अपनी सेवा निभा पाए हैं। करोना दे समय दे विच आस पास दे पिंडां दे विच साडी मैनेजमेंट वल्लों राशन पानी दी दवाइयां दी सेवा की गई। इत्थे टीकाकरण दे कैंप्स लगाए गए। महाराज जी दे जन्म दिन दे उपर हमेशा ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जाता है। दर्शकों पंजाब चैनल पर तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हैं विद्या दानी संस्थावां लोपो विखे और गल कर रहे हैं पहला बीएड कॉलेज के प्रिंसीपल तृप्ता परमार जी दे नाल, जिन्हां ने सेवा 2020 शुरू की आ और हमेशा इस कॉलेज के नाल एक बैकबोन बन के जुड़े हुए हैं। कॉलेज का सारा पता क्योंकि 20 साल तो सेवावां जिहड़ियां उन्होंने दित्तियां इस कॉलेज के। स्वागत है जी तुहाडा ऑन द ईव ऑफ टीचर डे साडे स्पैशल शो च। बहुत बहुत शुक्रिया। की कहना चाहोगे कि विद्या दी दानी संस्था जिहड़ी कि महापुरखा ने उस टाइम ते बूटा लाया सन दरबारा सिंह जी ने, जिस टाइम दे उपर विद्या दे इस एरिया च पेंडू च बड़ी वड्डी लोड़ सीगी और अज एक हब बन चुके एजुकेशन दी और आने वाले समय च वाहेगुरु करे एक यूनिवर्सिटी दा रूप लै जावे। की कहना चाहोगे? यह संतां पीरां फकीरां दी धरती लोपों दे उपर सन दरबारा सिंह जी ने 1971 दे विच डिग्री कॉलेज की शुरुआत की। उस टाइम लड़कियां की शिक्षा की बड़ी दिक्कत सी। उन्होंने इस पेंडू इलाके दे विच इस्त्री विद्या का दीवा रोशन किया। उस तो बाद 1976 दे विच उन्होंने बीएड कॉलेज की शुरुआत की। संत जगजीत सिंह जी ने नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत 2019 दे विच की। इस दे नाल नाल ही इत्थे सीनियर सैकेंडरी स्कूल लड़कियां दे लई चलदा पिया हैगा, जिहदे विच मैडिकल नॉन मैडिकल कमर्स सारे तरह के जिहड़े स्ट्रीम्स अवेलेबल हैगे आ। सो लड़कियां दे लई हर तरह की सिक्ख्या इस पेंडू इलाके दे विच इस टाइम मुहैया की जा रही हैगी आ। जरूर यह कॉलेज किसी दिन एक यूनिवर्सिटी दे विच तब्दील होएगा। मैं सोचनी हाँ कि एक विमेन यूनिवर्सिटी दे विच तब्दील होएगा जे वाहेगुरु जी दे साडे नाल साथ रहा। प्रिंसिपल मैडम की कहना चाहोगे कि इस कॉलेज दे बीएड दे बच्चे जिहड़े निकलदे ने उन्हां च केवल पढ़ाना ही नहीं बल्कि नैतिक सिक्ख्या वैल्यूज उन्हां दा माइंड सैटअप उन्हां च एक पॉजिटिविटी उन्हां दे नाल परमात्मा दे आशियां दे नाल जुड़न दा बहुत वड्डी एक संस्था ऐसी संस्था जिहदे च माइंड ही चेंज हो जाता हैगा। जिहदे च बच्चों नूं जदों इस कॉलेज दे विच जॉइन करदे आ तां उहनां दे माइंड दे विच एक पॉजिटिविटी आ जाती हैगी। अगले कहिंदे बीएड कॉलेज लोपो दी पढ़ी कुड़ी चल बई जल्दी जल्दी मैरिज हो जूगी उहदी, कहणगे नहीं बई उत्थे वैल्यूज हैगियां उत्थे और टीचरां जिहड़ियां बड़ा वधिया पढ़ांदियां। सर एक्चुअली जो साड़ी संस्था का विजन ते मिशन हैगा वो इस चीज़ नू मद्देनजर रख के ही चलाया गया। मन नीवा मत उच्ची, बच्चे पढ़ते हैं उच्ची सिक्ख्या हासिल करते हैं पर उन्दे नाल नाल वो मन हमेशा अपना नीवा रखते हैं। कदरां कीमतां दी उन्हां नू वैल्यू हैगी है। समाज दे वो एक अनिखड़वां अंग बन जांदे ने। टीचर बन के समाज दे सुधार दे विच बच्चियां दे भविख दे निर्माण दे विच अपनी जिम्मेवारी अदा करदे ने। प्रिंसिपल मैडम तुहाडा क्योंकि तुसी एज ए प्रिंसीपल नहीं बल्कि एज ए सेवादार इत्थे सेवा कर रहे हो और सारे टीचर वो यही कहिंदियां ने भी अज तक असीं ऐसे प्रिंसीपल नहीं देखे जिहड़े सानू लड़ी च परो के सानू वड्डियां भैणां वांगू साडी कोई घर दी डिफिकल्टी आउंदी आ तां वी साडी सॉल्व करदे ने। और करोना दे एपीडेमिक दे विच जो मदद तुसीं टीचरां दी कीती आ और जो बाबा जी ने कहा भी भाई किसी दे घरे लंगर ना खत्म होवे उन्हां दे घरे जाके लंगर दे के आओ, किसी नूं कोई बीमारी आ गई उहदे घरे पैसा पहुँचाओ, की कहना चाहोगे कि इह तां इक
ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੇਧ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੰਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਡਮ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੈਂਪਸ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟ ਅਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟ ਅਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟ ਅਪ ਇੱਕ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਗੇਮਸ, ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2022 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਥ ਅਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੰਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੰਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਭੈਣ ਅਮਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਭੈਣ ਗੁਰਸਵਰਨ ਕੌਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਭੈਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਭੈਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਗੁਰਸਵਰਨ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
संस्कार जो है बहुत वाली बन रहे हैं बाबा जी ने ये जो एजुकेशन है लंबे समय तो 50 साल बहुत समय हो गया जो स्टार्ट हो सेवा के केंद्र और अटैचमेंट हो रही है नर्सिंग कॉलेज में अब असं देखे टीचर ने बच्चे इस चीज़ के उपर बड़ा वाला ग्रो है और टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो डिफरेंस है आपस के बीच जो भी उन्होंने होंगे कि तुम प्रेम उन्होंने हो बना रहे हो जो एंटरटेनमेंट होंगे उन्होंने अटैच होंगे हो तो उन्होंने होर नाती दे रहा है प्रैक्टिकल असं बड़ा तजियत दिने है साढ़े नर्सिंग के बच्चे जोड़े है उन्होंने नर्सिंग के लिए पूरी तरह के नाल अटैचमेंट होंगी हैगी और जिदा अभी वजिए वजिए हॉस्पिटल ले जाने उन्होंने और उन्होंने एक नई चीज़ दिने से दे हाँ जी बिल्कुल साड़ा मेन मोटिव ये होंगे है कि बच्चों को बाहर लेके जाइए ता जो कम्यूनीकेशन सीख सकन लोगों नाल किवें इंटरैक्ट होना वा कि गलबात करनी सीख सकन क्योंकि थ्यूरी के नाल प्रैक्टिकल दे विच ज़्यादा इंपोर्टेंस आ नर्सिंग दे विच क्योंकि हॉस्पिटल दे विच आप जो जाना वा डिफरेंट तरह के आप पेशेंट ने डील करना वा होर कई तरह के डॉक्टर्स होंगे ने सो उन्होंने प्रैक्टिकली जो अपने एक्सपीरियंस प्रिंसिपल उन्होंने मेहरबानी है उन्होंने मेहरबानी के नाल मैडम परमजीत प्रिंसीपल नर्सिंग दे इन्हों के कहने के सारा ग्राउंड साफ करवाया जाता मन टू मंथ बी एड के प्रिंसीपल मैम इन्हों का एक्सपीरियंस ज्यादा आ जिन्हों के बदौलत अज ये कॉलेज शिखर तक बल जा रहे हैं साढ़े बच्चे है जो प्लस टू प्लस वन के कदे कबड्डी खेडते कोई थ्रो अप करता उन्होंने भी कॉलेज बहुत ज़्यादा मैडल मिले हैं ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਫ਼ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕੇ ਸੂਰਜ ਬਣ ਜਾਵੇ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਕਡੈਮਿਕ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ अपने बारे और दसना चाहनी है कि अपने कॉलेज जी संस्था हैगी है ये संतां महापुरशां की संस्था हैगी है तो अपने महापुरशां द्वारा ही ये कुड़ियों के लिए संस्था खोली गई जिदे विच एक स्कूल नर्सिंग स्कूल डिग्री कॉलेज बी एड कॉलेज इस वेले चल रहे हैगे है तो जिहड़े भी बच्चे इत्थे स्कूल तो लैके अपनी बी एड तक की जिहड़ी हैगी है पढ़ाई अपनी इतने कवर करके जाते हैं और ये बच्चे इन्ना महापुरशों का आशीर्वाद हैगा है कि वो बच्चे अपने ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब पर ज़्यादा वो बाहरली मतलब कंट्रिया जिते भी उन्होंने जोड़ा परपज होंगे वो मतलब महापुरशों के आशीर्वाद ना पूरा होंगे इन्ना इतने इन्हों की मतलब महापुरशों की देन मैं की कहना चाहोगे कि टैलेंट जोड़े है बच्चे जोड़े इतों के स्टूडेंट्स ने जिदा हम यूथ फैसटिवल होया साढ़े बच्चे ने मल्ला हरेक चीज़ ही मारिया की कहना चाहोगे कि यह पेंड एरिए का स्कूल जरूर कॉलेज जरूर आ पर एनर्जी जी है साड़ी वह शहर कई गुने वाद हाँ जी बिल्कुल सही गल है सर
कि अपने पेंडू एरिए दे बच्चे हैगे है पर इन्हां च इन्ना टैलेंट हैगा है कि अपने एक इंटीरियर दे विच भी यह अपने आप नूं कदे पिछे नहीं समझदे क्योंकि इन्हां च इन्नी टैलेंट है इन्ना 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 जोश है कि अपने हरेक एक्टिविटी नूं बढ़ चढ़ के हिस्सा लैंदे है ते उहदे च वधिया परफॉर्मेंस दिंदे है चाहे वह यूथ फेस्टिवल है चाहे वह स्पोर्ट्स है किसी भी एरिए दे विच है चाहे वह अपने जिवें प्रोफेशनल डिग्री बी एड दे विच स्किल एंड टीचिंग च है हरेक कंपीटिशन दे विच जांदे है बच्चे ते अपना वधिया मतलब उहदे च हिस्सा लैंदे है ते पोजिशन हासिल करदे है। मैडम बाबा जी ने हमेशा इस कॉलेज में एक विद्या का दान का केंद्र बनाया, माता जी ने विद्या के दान का केंद्र बनाया, भगीर जी ने विद्या के दान का केंद्र बनाया, उन्होंने कदे नहीं सोचा कि कॉलेज कुछ लैके जाना, वो हमेशा पढ़ते हैं भी दसो तुहानू की चाहिए, सानू दसो तुहानू होर की चाहिए कॉलेज, वो डेरे के जिदा मर्जी औखे होके हो एन आर ई वीर किमें मर्जी कर, लेकिन उन्होंने कदे किसी चीज़ की टोट नहीं आ दी। हाँ जी मैनेजमेंट वालों हैगा है कि अपने बच्चों जोड़ा हैगा है वो किसी ना किसी तरीके अपने को उन्होंने जोड़ी भी किसी तरीके की जरूरत हैगी है वो असं उन्होंने पूरी करा बच्चों लैके आओ। अजक जिमें दौर चल रहा है कि बहर जाने का ज़्यादा पैशन हैगा बच्चों के उस पैशन के दौर पर भी अपने बच्चों जोड़ा हैगा आप इन्ना मैनेजमेंट वालों प्रोत्साहित करते हैं कि वह अपनी संस्था के जिमें चल रही एडमिशन या पिछे हुई है उन्होंने पूरा सहयोग है अपनी मैनेजमेंट। देख सकते हैं कि वह स्कूल जिहड़ा कि विद्या का दानी स्कूल है संत दरबारा सिंह सीनियर सैकेंडरी स्कूल और आप देख सकते हैं कि इवेंट मनाया जा रहा है टीचर डे का, आप टाइम से पहुंचे हैं, जो टीचर्स है वो विश कर रहे हैं और केक जिहड़ा है उन्होंने। मैडम कितना की फीलिंग आ रही है ऑन द ईव ऑफ टीचर्स डे, एक विद्या की दानी संस्था तुम सेवा कर रहे हो और जिदा महापुरखों ने कहा कि अब आप सारा इन्हों का टीवी से भी टेलीकास्ट करना है, की महसूस कर रहे हो ऑन द ईव ऑफ टीचर्स डे? मतलब कि इन्नी खुशी हो रही है, बच्चों ने बहुत प्यार दिता, सुबह जो मॉर्निंग स्कूल के आए प्लस टू क्लास के बच्चे केक लेके आए, मतलब कि इन्ना मन खुश होया देख के बच्चों की इन्नी रिस्पैक्ट आ, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई। टीचर्स आ जोड़े बहुत कोऑपरेट कर रहे आ, मतलब कि ये टीचर्स में मेरे नो ज़्यादा मतलब कि स्कूल का है कि आप स्कूल में अगे लैके जाइए, स्कूल में कुछ नव करिए, इन्नी ज़्यादा इन्होंने डेडिकेशन देख के मैं मतलब कि बहुत खुशी होंगी है, मेरे कोई वर्ड नहीं गा या कोई मेंटली कोई फिजिकल जो भी तुम्हें यह कहें तुम भी इन्होंने कंधे ना कंधा मिला हो और एक संस्थावं है जिड़ियाँ एक फैमिली संस्था जो तुम किसी दिन छुट्टी हो जाती है तो थोड़ा टीचर का घर भी दिल नहीं लगता, तुम्हें इदा मजा आता कि नहीं साढ़िया एक फैमिली साड़ी वो भी उदू भी वीड्डी है। सानू बिल्कुल इदा लगता भी जिदा असं एक फैमिली के रह रहे होंगे जो कोई बच्चे की प्रॉब्लम होंगी है, मतलब कि टीचर इन्ना ज़्यादा उन्होंने पेरेंट्स नालों भी ज़्यादा बच्चे की केयर करते हैं। कई बार मैं स्कूल के उस टाइम नहीं होंगी बाईचांस किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ गई तो टीचर्स ने वो बच्चे की इन्नी केयर करनी है, हॉस्पिटल लैके जाते हैं बच्चे पूरा दिन देखते हैं, किसी तरह का मतलब कि बच्चे महसूस नहीं होंगे कि वो हॉस्टल वाले बच्चे कि वो पेरेंट्स तो दूर रह रहे हैं। स्कूल पढ़ा रहे हो और तुम एक बहुत वधिया प्रिंसीपल मिले हुए हैं और मैनेजमेंट जी कि हमेशा टीचर्स फैसिलिटेट करती है हर गल की कहना सर कोर्स कोई डाउट नहीं है, साडा सारा स्टाफ मैंबर बहुत वधिया प्लस प्रिंसीपल मैम सानू एक मदर की तरह ट्रीट करते हैं एंड सारा साडा स्टाफ बहुत वधिया, सारिया फैसिलिटीज सानू बहुत वधिया दित्तियां गईयां ने, कोई इदा है नहीं है कि डेफिशेंसी कोई निकलती होवे और असं सारे फंक्शन इदा ही सैलीब्रेट करते हैं सारे इकट्ठे होकर। अज टीचर्स डे हैगा और बड़ी खुशी का माहौल है और बच्चे जो है उन्होंने भी टीचर डे का पता बेचारे कोई कि बना के लाया चीज़ कोई कि बना के लाया बड़े खुश हो उन्होंने साडे टीचर क्योंकि उन्होंने अज जिहड़ा सिस्टम बदल चुका है अज ऑनलाइन चीज़ें है पहले अपन अपने समय के टीचर डे की महत्ता होंगी बड़ी जमीन समान का फर्क हैगा अज जो हर एक बच्चा कॉन्शियस है इस चीज़ में। अजक बच्चे हर एक कोई भी प्रोग्राम बड़े वधिया ढंग मनाते हैं, पहला नहीं है भी थोड़ा बहुत हर एक बड़े ग्रेज न करते हैं, बच्चे घरों कार्ड बना के लेके आते टीचर्स लिए स्पैशल उन्होंने केक भी मंगवाया तो बहुत वधिया ढंग उन्होंने मनाया तो उन्होंने स्पैशल यह भी दसया जाता भी क्यों मनाया जाता भी ये पिछे की है क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्ण जी का जन्मदिन है 5 सितंबर में ही उन्होंने जन्मदिन से विशेष मनाया जाता सब कुछ।
our science lab where all the teaching has been given to all the students related to biology, related to science and related to all the chemistry courses. So here all the pictures are there to teach everyone and to have practical experience to all the students. पिछले 10 सालों तो सेवा निभा रही एज ए लाइब्रेरियन सेवा निभा रही हाँ। मैं गुरप्रीत कौर संत दरबारा सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वूमेन लोपो तो पिछले 8 सालों तो इस कॉलेज विखे सेवा निभा रही हाँ। साडे कॉलेज दे विच बच्चे जिहड़े एमएड कर रहे हैं उन्होंने लिए साइकोलॉजी लैब का खास जिहड़ा प्रबंध किया गया है। साइकोलॉजी लैब के हरेक तरह के टैसट अवेलेबल हैं। बच्चे जिहड़े भी खेत्र के एजुकेशन के फील्ड में लैके कोई रिसर्च वर्क करते हैं उन्होंने लिए मैनुअल्स जिहड़े है साइकोलॉजी लैब के है। टीचर इफेक्टिवनैस हो गया, एडजस्टमेंट हो गई है, सैटिस्फैक्शन के उपर हो गया, बच्चों की मैंटल हैल्थ के नाल रिलेटिड जिहड़े रिसर्च के अगे बच्चे अपने एम एड के डेजरटेशन के उपर काम कर रहे हैं उन्होंने लिए साइकोलॉजी लैब के हरेक तरह की जिहड़ी असी है क्वेश्चनेयर उपलब्ध कराए गए। दरबारा सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वूमेन लोपो विखे पिछले 15 सालों से सेवा निभा रही हूँ। तो जिवें तुसी सारे जानते हो कि अज का युग है जिहड़ा टेक्नोलॉजी का युग है तो इस करके बच्चों नूं टेक्नोलॉजी दे नाल जोड़न दे लई उन्हां नूं समय का हाणी बनाउण दे लई इह जिहड़ी साडी ICT लैब है ते साडा जिहड़ा कंप्यूटर लैब है इह असीं उन्हां नूं इह फैसिलिटी प्रोवाइड करदे हां कि बच्चे इत्थे आ के अपने जिहड़े प्रैक्टिकल ने उह कर सकदे। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਵੀ ਨੇ ਫੋਰਨ ਗਏ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਟੀਚਰ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਪਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਫੇਸ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਗਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਟੀਚਰਸ ਡੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਟੀਚਰਸ ਡੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਤਾ ਅਰੋੜਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੈਪੀ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ HK ਡਾਲੀ, ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬੀਰ ਕੌਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਸੋ ਹੈਪੀ ਟੀਚਰਸ ਡੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗਰਵ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੈਪੀ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਟੂ ਆਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੈਪੀ ਟੀਚਰਸ ਡੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।